कौन से हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप सीओ बॉन्ड फिजन पढ़ रहे हैं तो सीओ बॉन्ड फिजन में क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा वो देख। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक कंसेप्ट को ध्यान देना पड़ेगा कि भाई OH बॉन्ड फिजन जो देखा हमने, यहां पर हम प्लस आई इफेक्ट से समझा रहे थे और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आ रहा था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आ रहा था कि 1 डिग्री इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर OH बॉन्ड फिजन, या ये भी कह सकते हो आप कि 1 डिग्री अल्कोहल इज मोस्ट एसिडिक रदर देन 3 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन जब CO बॉन्ड फिजन आता है ना बच्चों, तो जैसे मैं अगर कोई अल्कोहल लिखता हूं कि लेट मान लो एक अल्कोहल है ये और यहां पर ये OH बॉन्ड मुझे तोड़ना है, तो आप पहले ये ध्यान दीजिए कि अगर ये OH बॉन्ड टूटेगा तो मिलेगा क्या, बोले OH माइनस आयन मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलेगी वो आप ध्यान दीजिए, बोले कार्बो कैटायन। बस यही चीज पे आपको फोकस करना है। हमने प्रीवियस वीडियोस में हैलाइड में मैकेनिज्म भी आपको सिखाया कि जब भी रिएक्शन में कार्बो कैटायन बनता है तो हमेशा मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो कैटायन। क्लियर बच्चों? अब आपको यह सोचना होगा कि अगर मैं तीन अल्कोहल की कैटेगरी ले लूं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, और आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा अल्कोहल है जो मोस्ट स्टेबल कार्बो कैटायन बनाएगा, जैसे कि अगर मैं कहूं HCHHOH ये 1 डिग्री अल्कोहल है, फिर मैंने कहा RCHHOH ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और अब मैं अगर ऐसे कर दूं और आपसे पूछूं कि बच्चों अब क्या होगा, तो आप बोलोगे इसको मैं यहाँ पे ये 1 डिग्री कर लेता हूँ, ये 2 डिग्री अल्कोहल मेथिल अल्कोहल हटा देता हूँ। अब आपसे मैं ये पूछूं कि आप बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा OH बॉन्ड कौन ब्रेक करेगा, तो OH बॉन्ड फिजन तो आप सीख गए, वहां पे प्लस आई इफेक्ट से आप समझा रहे थे और आपको ये मालूम था कि भाई 1 डिग्री सबसे जल्दी OH बॉन्ड फिजन शो करता है, वो लॉजिक अलग है। यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि इन तीनों अल्कोहल में आप ये सोचिए कि कौन सा अल्कोहल CO बॉन्ड तोड़ेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ के मोस्ट स्टेबल कार्बो कैटायन बनाएगा। तो आप बोलोगे अगर इससे मैं बॉन्ड ब्रेक कराता हूं तो RCH2+ मिलता है, इससे ब्रेक कराता हूं तो RRCH+ मिलता है, और इससे अगर ब्रेक कराता हूं तो मुझे 3 डिग्री कार्बो कैटायन मिलता है। दिस वन इज 1 डिग्री कार्बो कैटायन, 2 डिग्री कार्बो कैटायन, 3 डिग्री कार्बो कैटायन। आप लॉजिकली बताइए विच वन इज मोस्ट स्टेबल। तो आप जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बो कैटायन इज मोस्ट स्टेबल। क्लियर है? जब 3 डिग्री कार्बो कैटायन मोस्ट स्टेबल होता है तो आप ये बताइए कि इन तीनों अल्कोहल में क्या नेचर होगा, क्यों रिएक्शन के समय इनका नेचर क्या होगा, ये मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट इसमें क्या लग रहा है, एक इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें दो तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें तीन तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ये तो लॉजिकली सही है। यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि जब आप OH बॉन्ड फिजन समझाते हो तो आप इंडक्टिव इफेक्ट को यूज कर रहे हो, लेकिन CO बॉन्ड फिजन को जब समझा रहे होगे तो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो कैटायन पे ही कंसंट्रेट रहोगे, और स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो कैटायन इज 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल, देयरफॉर फॉर CO बॉन्ड फिजन कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्शन शो करेगा, बोले वो अल्कोहल ज्यादा रिएक्शन शो करेगा जो ज्यादा स्टेबल कार्बो कैटायन बनाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो रिएक्शन करेगा तो अपना CO बॉन्ड जल्दी से ब्रेक कर देगा और स्टेबल कार्बो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो सबसे स्टेबल कार्बो कैटायन बनाता है, सबसे स्टेबल अल्कोहल नहीं है, सबसे स्टेबल कार्बो कैटायन बनाता है, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी CO बॉन्ड फिजन करने की, देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर CO बॉन्ड फिजन, व्हाइल 1 डिग्री अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर OH बॉन्ड फिजन। तो ये दो बातों को अब आपको बिल्कुल ध्यान लगाना होगा, और इसी में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अब हम ये क्लियर हो गया कि CO बॉन्ड और OH बॉन्ड
दो तरह के बॉन्ड ब्रेक करने हैं। तो अल्कोहल में अगर OH बॉन्ड फिजन करना है तो आप प्लस आई इफेक्ट कंसेप्ट यूज करोगे और इसमें आंसर हमेशा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या मेथाइल ग्रुप भी ले लो आप, मेथेन अल्कोहल, ये ऑर्डर आता है। लेकिन जब आप CO बॉन्ड फिजन करना चाहते हो तो यहां पर कंसेप्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन यूज करते हो और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आपको मालूम है क्या होता है भाई, 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल, 2 डिग्री 1 डिग्री एंड देन 1 मिथाइल। तो ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करना होगा कि जब आप CO बॉन्ड फिजन कर रहे हो तो आपको CO बॉन्ड फिजन करते समय प्रिकॉशनरी ये ध्यान देना होगा कि वही अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा जो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। क्लियर बच्चों? तो अगर आपने दिमाग में ये बात बैठा ली कि भाई हम OH बॉन्ड फिजन करते हैं तो क्या लॉजिक लगाते हैं और हम CO बॉन्ड फिजन करते हैं तो क्या लॉजिक लगाते हैं, दोनों बातों को सेपरेटली ध्यान देना होगा आपको, और आपने इसमें ध्यान दिया तो आपके लिए बहुत सरल होगा। ओके, तो चलिए अब हम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं और हमको एकदम क्लियर हो गया है कि जब हम OH बॉन्ड अल्कोहल का तोड़ते हैं तो क्या सोचेंगे और जब CO बॉन्ड अल्कोहल का ब्रेक करेंगे तो क्या सोचेंगे। दोनों में ऑर्डर अपोजिट है, कंसेप्ट अपोजिट है, और चलिए हमको ये बातें क्लियर हो गई हैं। अब जब CO बॉन्ड फिजन होगा तो इसमें रिएक्शंस कौन कौन सी पढ़नी है हमें, तो ऐसे तो बहुत सारी रिएक्शंस हमें पढ़नी है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन वही है जो आपने हैलाइड में सीखी है, जिसको आप बीटा एलिमिनेशन के नाम से जानते हो। आपने वहाँ पे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन सीखा था अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, यहाँ पे आप डिहाइड्रेशन करते हो अल्कोहल का, डिहाइड्रेशन अल्कोहल से पानी निकालते हैं। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब हम करते हैं तो वहाँ पर हम CO बॉन्ड फिजन का कंसेप्ट लगाते हैं। आप बीटा एलिमिनेशन को अगर याद करिए तो वहाँ पे भी यही कंसेप्ट था कि बीटा एलिमिनेशन करने में आप सेट जेफ रूल लगाते थे, आप मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते थे और उसके बाद आपको एल्कीन प्रोडक्ट या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट मिलता था। सेम यहाँ होगा, एसिडिक डिहाइड्रेशन होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा। आपके पास अगर H2SO4 नहीं है तो आप Al2O3 एलुमिना यूज कर सकते हो, एलुमिना की जगह पे आप फास्फोरिक एसिड यूज कर सकते हो, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैकेनिज्म क्या होगी, तो आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होगा, E2 मैकेनिज्म होगी, बायमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट आएगा, कार्बोकैटायन्स बनेंगे और कार्बोकैटायन में आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे नजर डालनी होगी, और अगर मोस्ट स्टेबल नहीं बना तो आपको शिफ्टिंग करानी होगी। क्लियर? तो अब हमको ये क्लियर हो गया कि अगर हम रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे तो हमको क्या सोचना है और क्या लॉजिक लगाना है। अगर इन बातों पर आप कन्फर्म हो जाओगे तो हर चीज आपके लिए सरल होगी। तो अब हम अल्कोहल में पढ़ने वाले हैं रिएक्शन, पहली है एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन हमेशा बाय कंसंट्रेटेड H2SO4 से होगी, ये नहीं है तो एलुमिना यूज कर लो, SP2O4 यूज कर लो, लेकिन ज्यादातर रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा। इसमें आपको मालूम है कंसेप्ट इज बीटा एलिमिनेशन होगा, इसमें सेट जेफ का कंसेप्ट अप्लाई होगा, सेट जेफ लाल अगेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा, और जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन पे ध्यान दोगे, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। डिमांड होगा तो शिफ्टिंग भी होगी, अगर डिमांड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट में आपको ज़्यादातर एल्कीन मिलेगी, एल्कीन बनाते समय भी आपको वो बातें याद रखनी पड़ेगी जो आपने बीटा एलिमिनेशन में सीखा था कि कौन सा अल्कोहल ज़्यादा बीटा एलिमिनेशन करेगा, एल्कीन जब बनेगी तो कौन सी एल्कीन बनने की ईज ज़्यादा होगी, टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो मोस्ट सिमेट्रिकल एल्कीन जो होगी वो ज़्यादा बनेगी, एसिमेट्रिकल एल्कीन जो होगी वो कम बनेगी, यही सब बातें आपको सीखना है। तो आप थोड़ा सा बीटा एलिमिनेशन क्या होता है प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, आप उसको स्टडी करिए एक बार, तो ये रिएक्शंस आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगी। लेकिन फिर भी हम अभी इसमें एग्जांपल लेते हैं और इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं
कि बीटा एलिमिनेशन आखिर होगा कैसे, इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, किस तरह से होता है। तो आप अल्फा बीटा कार्बन तो पहचानते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन करते समय आपको IUPAC नेमिंग का अल्फा बीटा कार्बन नहीं देखना है, आपको ये देखना होगा कि जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वही अल्फा कार्बन कैरी कंसीडर करेगा और उसके अगल बगल का कार्बन बीटा होगा। जिसमें OH ग्रुप लगा है वो कार्बन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से पहला कार्बन या अल्फा कार्बन है, लेकिन मैकेनिज्म के हिसाब से वो अल्फा कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमेशा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ही अल्फा कार्बन होगा। सेट जेफ रूल आपको सेंटेंस में याद होगा, क्या बताया था कि ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन आफ्टर रिलीज ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन विच इज नोन एज अल्फा कार्बन एटम, द हाइड्रोजन एटम इज रिलीज फ्रॉम सच एडजेसेंट, यानी अगल बगल सच एडजेसेंट बीटा कार्बन एटम विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बस यही ज्ञान है आपको ध्यान देके अब सीखना है। तो रिएक्शंस हम कुछ लेते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे हुआ बीटा एलिमिनेशन। तो यहां पर कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ज्ञान ध्यान देना होगा। जैसे मैं सबसे छोटा कॉमन एल्कोहल ले लूं, एथिल एल्कोहल, और इसका एसिडिक डिहाइड्रेशन कराऊं, तो बहुत सारे लोग रट्टा मारते हुए ले आंसर आ गया, बोले ये कोई तरीका थोड़ी है, एक्चुअल तरीका क्या है। तो बच्चा बोलेगा ये CH3, ये CH2, ये OH, ये कंसेंट्रेटेड H2SO4 है, तो H2SO4 क्या करेगा, H+ देगा। यहां पर ये OH- कार्बन, ये वाला बॉन्ड आपको फिजन कराना है, मालूम है CO बॉन्ड फिजन है, ये O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, जब ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो ये CH3 CH2+ और ये H2 निकल गया, यानी आप डिहाइड्रेशन करा चुके। अब यहां पर ये ध्यान देना होगा कि ये जो बन गया है ये एथिल कार्बोकैटायन, क्या ये अल्फा कार्बन है, तो आप चेक करो डायरेक्ट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि यार ये क्या मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, बोले अभी दो तो कार्बन ही है और दोनों 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री है और कोई है ही नहीं, तो कुछ सोचना ही नहीं, यही स्टेबल है, बोले हाँ यही सबसे स्टेबल है अभी हाल फिलहाल, तो दिस वन इज अल्फा कार्बन। अब इसके पास कौन आएगा, HSO4-, क्योंकि H2SO4 H+ दे चुका है, H+ और HSO4-, HSO4- को चाहिए क्या, क्या चाहिए, H+ आयन चाहिए। यहां पर अब आप करोगे क्या, बीटा एलिमिनेशन सबसे सरल रिएक्शन है, सेट जेफ रूल की जरूरत ही नहीं है, दिस वन इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा कार्बन। समझने के लिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं CH2, इसका एच ओपन कर दूं और यहां पर CH2 कार्बोकैटायन है, और अब क्या होगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों, कार्बन, तो कार्बन बॉन्ड को खींच लेगा, जब बॉन्ड को खींच लेगा तो हो जाएगा CH2 नेगेटिव, CH2 पॉजिटिव, और ये H+ जो निकलेगा वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको, क्या ये कोई प्रोडक्ट है, बोले ना ये तो अनस्टेबल स्पीसीज है, तो ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए अपने लोन पेयर को पाई बॉन्ड में बदल लेगा, ऐसा करने से दोनों कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे और ये आपको प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा एथिल। अब आप खुद समझदार हो कि दिस वन इज नॉलेज, आप ऐसे रट के कोई रिएक्शन को लिखना चाहोगे तो कितनी रिएक्शन लिख पाओगे, 1, 2, 4, लेकिन कभी आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करने की बारी आएगी और किसी क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा तो आप नहीं निकाल पाओगे, इसलिए आपको मैकेनिज्म तो सीखनी पड़ेगी, उससे आप बच नहीं सकते, ठीक है। इसी में हम क्वेश्चन को बदलते हैं और हम बोलते हैं कि चलिए रिएक्टेंट अब हमारे पास है CH3CH OH CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में यही मैकेनिज्म फॉलो कराना है, एसिडिक डिहाइड्रेशन, तो स्वाभाविक है राइट, रट के तो बोलेगा बंदा कि ये एच है, ये OH है, ये एच दे देगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीका जो क्या है वो ध्यान दें,
सबसे पहले तो मालूम ही है H प्लस और HSO4 माइनस, फिर ये CH3CH, ये OH CH3, इसके पास H प्लस आएगा, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड ब्रेक करेगा, CH3CH प्लस CH3, और ये पानी निकलेगा। दिस वन इज आइसो प्रोपिल कार्बो कैटायन। क्या ये मोस्ट स्टेबल है? बोले यार अभी तो ये 2 डिग्री कार्बन में कार्बो कैटायन चार्ज दिख रहा है, इसके अगल बगल में क्या कोई 3 डिग्री है? बोले ना 1 डिग्री है, तो यहाँ कार्बो कैटायन तो बन गया, क्लियर हो गया। अब आपने ये भी जान लिया कि यार ये 2 डिग्री है, इससे स्टेबल तो यहाँ कुछ हो नहीं सकता, जब हो नहीं सकता तो कुछ सोचना ही नहीं है। बोले अब क्या होगा? फिर वही बात कि है, अब इसके पास आएगा HSO4- और यहाँ से H निकालना होगा, ये अल्फा कार्बन है, इसके अगल बगल में बीटा कार्बन है, दोनों कार्बन एक जैसे, चॉइस आपकी, किसी भी एक से हाइड्रोजन निकाल दो, मैं इससे निकाल लेता हूँ, तो आपको आंसर हो जाएगा CH3CH प्लस और ये हो जाएगा CH2- और वो H और HSO4 मिलके H2SO4 बाहर हो गया। फिर ये स्टेबल होने के लिए लोन पेयर पाई में बदल जाएगा और ये CH2 यानी प्रोपीन आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट रट के नहीं ला सकते, रट के आप कितनी रिएक्शन करोगे? 2-4 रिएक्शन के आंसर आएंगे, फिर क्या होगा? फिर क्वेश्चन मार्क, कॉस 90, ये ध्यान देना है। यहीं पर और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बदल के लें और देखें कि अब क्या होगा। ये सब चीजें हैलाइड में ऑलरेडी रिपीट हुई है, वहां डीहाइड्रोहैलोजिनेशन था, यहाँ डीहाइड्रोजिनेशन है, डिहाइड्रेशन है सॉरी। अब यहीं पे मैं CH3CH2CH2CH2OH ब्यूटेन 1-ol ले लेता हूँ। अब इसका आंसर आप हमको सर्च करना है। बीटा एलिमिनेशन का कंसेप्ट है, हमको ये मालूम है कि सेट जेफ रूल लगेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा और एल्कीन भी सिमेट्रिकल बनेगी, सिमेट्रिकल एल्कीन ही आंसर होगी। तो प्रोसेस शुरू करें, सबसे पहले आप जानते हो कि OH निकलेगा H प्लस के साथ, तो ये OH हट जाएगा। अब मैं स्टेप कम कर रहा हूँ, CH2 कार्बोकेटायन और ये पानी निकल गया, क्यों? क्योंकि H प्लस और HSO4- की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ये जो कार्बोकेटायन है ये कौन सा है बच्चों? 1 डिग्री। क्या ये मोस्ट स्टेबल है? बोले यार 1 डिग्री कार्बन है, ये तो 2 डिग्री कार्बन है, तो 1 से ज्यादा स्टेबल तो 2 होता है। जब 1 से ज्यादा स्टेबल 2 होता है तो क्या मैं 1 डिग्री कार्बन को सेलेक्ट करूं कि 2 डिग्री को? आप बोलोगे कि यार ऐसे में तो मोस्ट स्टेबल 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री को कार्बोकेटायन होना चाहिए था। तो अब मैं क्या करूं? मैं बोलूंगा कि यहां से इसको शिफ्टिंग करानी होगी। कौन सी शिफ्टिंग? 1-2 हाइड्राइड, हाइड्राइड क्या होता है? H- हाइड्राइड शिफ्ट करा दूंगा, तो इसका एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। 1-2 का मतलब तो आपको कई बार समझाया, इन्हें जस्ट अगल बगल, तो ये हो जाएगा CH3, ये CH2, ये CH+ और ये CH3। दिस वन इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड दिस इज स्टेबल देन 1 डिग्री। तो ये हाँ, ये जो आप करते हो ना, यही सेट जेफ रूल है, ये निकाल लेना सेट जेफ नहीं है। अब आपके पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, तो अब आप इसको बोलोगे दिस वन इज अल्फा कार्बन। जब आप अल्फा पे क्लियर हो गए, अब सेट जेफ का कंसेप्ट क्या है कि आफ्टर रिलीज ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट और द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, द हाइड्रोजन एटम इज रिलीज फ्रॉम सच एडजेसेंट बीटा कार्बन एटम। ये दोनों बीटा है, अगल बगल के उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे जिस पर हाइड्रोजन का नंबर कम हो। तो ये 3 हाइड्रोजन रखता है, ये 2 हाइड्रोजन रखता है, यानी अब क्या होगा? HSO4- को ये वाला कार्बन हाइड्रोजन दे देगा, और हाइड्रोजन दे देगा तो ये बदल जाएगा CH- और ये CH+ CH3 और साथ में निकल कौन गया बच्चों? H2SO4। फिर वही बात, ये स्टेबल नहीं है, ये लोन पेयर पाई में बदल जाएगा और ये CH3CH CH CH3। दिस वन इज Butene इज द आंसर। तो Butene इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगर आप मैकेनिज्म नहीं समझते हो तो Butene लाओगे, और Butene लाओगे तो वो गलत आंसर होगा। तो मुझे लगता है
कि ऐसे में आपको रट्टा नहीं मारना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को समझने की जरूरत होती है। मैकेनिज्म अगर ऑर्गेनिक में क्लियर हो गई तो कितना भी कठिन क्वेश्चन आएगा आपको बन जाएगा। मैकेनिज्म क्लियर नहीं है तो आप कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आंसर परफेक्टली नहीं ला पाएंगे। क्लियर है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब इसी में ये बात जब आपको बनने लगी तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करके आपसे पूछूं और फिर बोलूं कि आंसर अब ला के दिखाइए। जैसे हमने क्वेश्चन लिया CH3 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 CH3, अब बोला इसका एसिडिक डिहाइड्रेशन कराइए। बोले यार तो बहुत सरल है, बहुत सरल है, बिना मैकेनिज्म के अगर कराए तो बोले ये OH और इसके अगल बगल से H पकड़ना है तो बोले इसमें तो है ही नहीं, उससे निकाल लेते हैं। यहाँ मैकेनिज्म का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि अब आप गलत आंसर लाओगे। तो सही ज्ञान क्या है, सबसे पहले आपको मालूम है OH निकल जाएगा, मैं स्टेप कम कर रहा हूँ, तो ये CH3 ये CH3, ये CH कार्बोकैटायन CH3, ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। क्या 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है, बोले ना, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है। क्या अगल बगल कोई 3 डिग्री है, बोले इधर तो नहीं है, इधर बोले इधर तो ये है लेकिन ये 4 डिग्री है, तो मैं 4 डिग्री को 3 डिग्री में बदल सकता हूँ ना, कौन सा तरीका है, शिफ्टिंग। कौन सा शिफ्टिंग, बोले एक कार्बन को शिफ्ट कर दो, यानी कौन सा ग्रुप, मैथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे आप बोलोगे मैं 1-2 मेथाइल शिफ्टिंग कराऊंगा, मेथिल ग्रुप को उठा के शिफ्ट करा दूंगा, तो अब मुझे मिलेगा CH3 CH3 कार्बोकैटायन CH3 CH3। अब ये आपका हो गया अल्फा कार्बन। अब आप सेट जैफ रूल लगाओ, क्या कि आफ्टर रिलीज ऑफ नेगेटिव पार्ट और मोस्ट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन द हाइड्रोजन एटम इज रिलीज्ड फ्रॉम सच एडजेसेंट बीटा कार्बन एटम व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसमें हाइड्रोजन कम है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। अब आप इससे हाइड्रोजन हटा दोगे डायरेक्ट, समझ रहे हो, माइनस हाइड्रोजन H2SO4 के साथ निकल जाएगा, ये CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये H गया है CH3, तो ये 2-3 डायमिथाइल ब्यूटोइन मिल गया और सिमेट्रिकल भी है। तो ये ज्ञान है बच्चों, बहुत सरल है, अगर आप थोड़ा भी फोकस्ड हो जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं। आपको बस ये ज्ञान लगाना है कि जब भी मेरे को डीहेलोजिनेशन डीहाइड्रेशन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना होगा तो ये इलिमिनेशन का कंसेप्ट लगेगा, बीटा इलिमिनेशन लगेगा और मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ही बनेगा, और मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के बाद ही सेट जैफ कंसेप्ट अप्लीकेबल होता है। बाकी अगर आप ये नहीं करोगे तो आंसर तो ऑर्गेनिक ऐसी चीज है कि आंसर तो हमेशा आता है, एक क्वेश्चन के 4 आंसर 5 आंसर आ सकते हैं, सही आंसर कौन लाएगा, वही जिसको नॉलेज होगा, जो मैकेनिज्म एलिबरेट कर सकता है, इलस्ट्रेट कर सकता है, जो रिएक्शन को फ्रैक्शन में तोड़ सकता है वही आंसर बता सकता है, बाकी रट के कितने क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, इसमें बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप दुनिया भर के एग्जाम्पल ले सकते हैं, छोटे बड़े कठिन सरल, बस कोशिश करिए कि पहले तो आप कंसेप्ट सीखिए, छोटी रिएक्शंस को करिए और फिर जब आप ये बनता है तो इसी में मैं आप साइक्लो बाई साइक्लो एक बना के दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, आप कर लोगे, लेकिन अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब आपके लिए बड़ी दिक्कत आएगी और इजिली आप रिएक्शन कर नहीं पाएंगे। चलिए तो अब हमको एसिडिक डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि कैसे होता है। एसिडिक डिहाइड्रेशन में एक प्रिकॉशन भी है बच्चों, वो ये कि अगर आपने अल्कोहल को लिया है और अल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन करा रहे हैं लेकिन कहीं अल्कोहल एक्सेस में हो गया तब फिर प्रोडक्ट बदल जाता है, एक्सेस में हो जाए टेम्परेचर चेंज हो जाए तो प्रोडक्ट बदलता है, और ये टेम्परेचर चेंज पे भी डिपेंड करता है और कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। क्या कि अगर एक्सेस में अल्कोहल आपने ले लिया तो प्रोडक्ट एल्कीन की जगह ईथर बन जाता है, और यहाँ पर फिर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर एक्सेस में अल्कोहल है, जैसे कि मान लीजिए एक अल्कोहल है, एक्सेस का मतलब 2 मॉलिक्यूल लिख देता हूँ मैं, कंसेंट्रेटेड H2SO4 ही है या एलुमिना है लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, 413 केल्विन हो गया, यानी 140 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स,
तो ये डिहाइड्रेशन तो होगा लेकिन दो मॉलिक्यूल एक्सेस में है तो प्रोडक्ट में आपको ये ईथर दे जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा टेम्परेचर फैक्टर्स पे कि अल्कोहल में जब रिएक्शन होती है तो चार अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस और 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। ये अलग अलग टेम्परेचर फैक्टर है। तो अगर एल्कीन बनाना है तब तो 160 से 170 चाहिए और टेम्परेचर थोड़ा भी कम हुआ तो गड़बड़ हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में हमेशा एल्किल सल्फेट प्रोडक्ट मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, 100 डिग्री पर एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट प्रोडक्ट देता है, 140 पे हमेशा ईथर मिलता है और 160-70 पे हमेशा एल्कीन मिलता है। तो कभी कभी ये बात भी काम आती है, ये नॉलेज भी काम आता है कि आप ध्यान रखो कि अलग अलग रिएक्शन अगर हो रही है तो ऐसे केस में हमेशा टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस होगा कि अगर आपने टेम्परेचर कम ज़्यादा किया तो प्रोडक्ट भी चेंज होगा। तो एक जनरल अवेयरनेस है कि एक्सेस में अल्कोहल हो, टेम्परेचर 140 हो तो फिर एल्कीन नहीं होगा, वहाँ पे डिहाइड्रेशन तो होगा लेकिन आंसर ईथर जाएगा। क्लियर रहेगा, ये बातें आपको याद रहेंगी तो फायदे भी रहेंगे आप। चलिए अब हमको ये बातें तो मालूम हो गई। बच्चों CO बॉन्ड फिजन की दूसरी सबसे बड़ी रिएक्शन मानी जाती है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। और ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इतना इंपॉर्टेंट है कि अब आप मान लीजिए कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और बहुत सारी कन्वर्जन रिएक्शन में आप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का यूज करने वाले हो। इसलिए ऑक्सीडेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब तो आपको मालूम है कि हाँ कोई नेसेंट ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन एटम आएगा, अब वो एल्कोहल से अटैच होगा। यहाँ पर जब वो एल्कोहल से अटैच होता है ना बच्चों, तो डिहाइड्रेट करता है, वाटर को निकालता है और एल्कोहल को एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। कैसे वो मैं सिखाऊंगा CO बॉन्ड फिजन होने से। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सीजन देगा कौन, तो बोले कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो एल्कोहल में पढ़ते ना बच्चों, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल जब होगा तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में K2Cr2O7 का यूज होता है एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 का यूज होता है एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट। ये तो जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हर रिएक्शन में ज्यादातर यूज हो जाते हैं। इसी रिएक्शन में हम कूलिंग्स रीजेंट का भी यूज करते हैं बच्चों, कूलिंग्स रीजेंट का भी यूज करते हैं और इसी रिएक्शन में हम PCC यूज करते हैं। PCC क्या होता है, पिरिडिनियम क्लोरो कॉम्प्लेक्स, कह सकते हैं आप पिरिडिनियम क्लोरो कॉम्प्लेक्स, या आप ये भी कह सकते हैं इसको पिरिडिनियम क्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स टू क्लोरोक्रोमेट फार्मूला C5H5N+CrO3Cl इसका यूज होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं जनरली 1 डिग्री अल्कोहल के केस में, 2 डिग्री 3 डिग्री में भी हम यूज करते हैं और वहां पर कंसेंट्रेटेड HNO3 का भी यूज बढ़ जाता है, वो हम अभी देखेंगे। अब इसमें होता क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तरीका क्या है। अगर मैं कोई 1 डिग्री अल्कोहल ले लूं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये RCH2OH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मुझे ऑक्सीजन मिलेगा, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं बच्चों, RCH2OH को RCHOH, इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये फ्री ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे और ये आप खुद देखिए क्या बचा, RCHO यानी उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड प्रोडक्ट हुआ। और अगर ये एक स्टेप और आगे बढ़ जाए तो ये हो जाता है RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी 1 डिग्री अल्कोहल हमें दे रहा है उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड मिलने के बाद अगर एक स्टेप आगे बढ़ गए तो फिर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो स्टेप को रोकने के लिए हम ज्यादातर PCC का यूज करते हैं कि एल्डिहाइड पर रिएक्शन रुक जाए और आगे प्रोडक्ट
ना बन पाए। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह बनाना होगा तो फिर हम कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ K2C8H7 का यूज करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 1 डिग्री अल्कोहल तो आपको क्लियर होगा, यहाँ पे आप कितना भी बड़ा अल्कोहल रख लीजिए, बेंजील अल्कोहल कुछ भी ले लीजिए, कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, अगर वो 1 डिग्री है तो वो जहां पर OH है वो CHO में बदल दीजिए, वो अल्कोहलिक ग्रुप बदल जाएगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री को अगर मैं लिखूं तो मैं 2 डिग्री को RCHOH ऐसे लिखूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देगा, फिर वही काम आप रिपीट करेंगे, ये O, ये H और ये एक H, ये अलग हुए। अब आप देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको, RR, C और ये डबल बॉन्ड O कीटोन, यानी 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा और हमेशा प्रोडक्ट के रूप में कीटोन बनाता है, कोई टेंशन उतने ही कार्बन का कीटोन, बस आपको सिर्फ ग्रुप बदल देना है, ज्यादा और इधर में एफर्ट नहीं करना है, बहुत मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ ग्रुप बदलना है। कीटोन में एक दिक्कत है बच्चों, कीटोन में CC बॉन्ड है, ये देखिए ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड का फिजन एक डिफिकल्ट प्रोसेस होती है, तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन कराना कठिन होता है, इसलिए PCC का यूज यहाँ नहीं होता। अगर हमें कराना है तो हम फिर कंसेंट्रेटेड HNO3 का यूज करते हैं, और कंसेंट्रेटेड HNO3 अगर यहाँ पर फर्दर स्टेप में यूज हो गया तो कंसेंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा CC, और इसमें मिक्सर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, यानी एक ये कार्बन एसिड में बदलेगा और एक दो कार्बन ये जो दिख रहे हैं ये भी एसिड में बदलेंगे, मिक्सर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कीटोन में सीसी बॉन्ड होता है, सीसी बॉन्ड का ऑक्सीडेशन एक डिफिकल्ट प्रोसेस होती है, इसलिए कीटोन का ऑक्सीडेशन कराने के लिए मुझे कंसेंट्रेटेड HNO3 का यूज करना पड़ता है, और कंसेंट्रेटेड HNO3 से अगर ऑक्सीडेशन कीटोन का हुआ तो फिर मुझे हमेशा प्रोडक्ट के रूप में मिक्सर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। 3 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं यूज करूँ तो जनरल कंडीशन पे अगर इसका ऑक्सीडेशन करें तो इसमें ये देखिए हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कौन सा हाइड्रोजन था बच्चों, बोले कार्बन कौन सा, अल्फा कार्बन। तो 1 डिग्री अल्कोहल में एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम है, दो दो, 2 डिग्री में भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम, 3 डिग्री में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है फंक्शनल ग्रुप के बाद, तो इसका ऑक्सीडेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और इसका ऑक्सीडेशन जब हम कराने की कोशिश करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन ना होके इसका डायरेक्ट डिहाइड्रेशन होता है, और कौन सा मैकेनिज्म लगता है जो अभी हमने पढ़ा, बीटा एलिमिनेशन लगता है, और आंसर के रूप में हमेशा और हमेशा एल्कीन बनता है। यानी अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल का यूज किया तो 3 डिग्री अल्कोहल आपको एल्डिहाइड कीटोन एसिड की तरफ नहीं ले जाता, ये बीटा एलिमिनेशन करके क्या करता है बच्चों, ये हमेशा आपको प्रोडक्ट देगा क्या, एल्कीन। जैसे हम कुछ एग्जांपल लें और देखें कि क्या फर्क पड़ता है रिएक्शन में, तो जैसे मैंने कहा कि CH3 CH2OH 1 डिग्री एथेनॉल लिया, ऑक्सीडेशन हुआ तो ये O, ये H, ये एसिडिक हाइड्रोजन एटम और ये अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन दोनों का यूज करना है आपको, तो आपने CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड बनाया, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो एसिटिक एसिड में बने। अगर 2 डिग्री ले लिया, जैसे मैंने आइसोप्रोपिल अल्कोहल का यूज कर लिया, ऑक्सीडेशन कराया तो ये ऑक्सीजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन दोनों निकल गए, ये आपको एसीटोन मिल गया ऑक्सीडेशन से। और अगर 3 डिग्री लिया, लेट मान लो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, तो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल में जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होगा, और बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है ना आपको दिख रहा है, तो ये ऑक्सीजन का कोई यूज ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा यहाँ पर, जो आपने अभी अभी पढ़ा बीटा एलिमिनेशन होगा कि ये OH निकलेगा और अगल बगल के मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के बाद हाइड्रोजन को रिलीज करेगा अगल बगल के उस कार्बन से जो कम हाइड्रोजन रखता है, तो ये तो आपने अभी अभी सीखा, और ये H2O, यानी आपको ध्यान ये देना है तीनों रिएक्शन बहुत सरल है लेकिन इनमें कंसेप्ट
इनविजिबल कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत ईजी है और वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, लेकिन तुरंत एसिड में बदल जाता है, तो हमको उसको रोकना पड़ता है कि हम एल्डिहाइड तक ही रहें, आगे ना जाएं। तो हम फिर क्या करते हैं, पीसीसी का यूज़ कर लेते हैं, कूलिंग रिएजेंट का यूज़ कर लेते हैं। नहीं तो K2Cr27 का यूज़ करोगे तो एसिड तक तो आप पहुँचोगे ही पहुँचोगे, K1O4 में एसिड तक ही जाओगे। 2 डिग्री अल्कोहल जो है, 2 डिग्री अल्कोहल जब आता है तो भाई आप ऑक्सीडेशन करते हैं और कीटोन में पहुंचते हैं। कीटोन में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सीसी बॉन्ड होता है, सीसी बॉन्ड का ऑक्सीडेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, तो अगर वहां पर हमको कराना होगा तो फिर कंसेंट्रेटेड HNO3 यूज करेंगे जो कि इसका ऑक्सीडेशन करा के ब्रेक कर देता है इसको, और मिक्सर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्ट आपको दे जाता है। 3 डिग्री अल्कोहल में आप कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं करा पाते हैं, आप ऑक्सीडेशन की कोशिश करेंगे लेकिन उसमें हो क्या जाएगा बच्चों, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, सेटजेफ रूल लगेगा और आपको ना तो एल्डिहाइड मिलेगा ना कीटोन मिलेगा, बल्कि आपको एल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा। और एल्कीन प्रोडक्ट मिलने के बाद फिर आप तो ऑलरेडी वो चीज़ सीख चुके हैं और उसी के हिसाब से फिर आप आंसर ला पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस आप थोड़ा सा फोकस्ड रहें कि यार रिएक्शन हो रही है तो हाँ ये कंसेप्ट लगेगा। सेम यहीं पर एक और क्वेश्चन आपके सिलेबस में रखा गया है और वो है बच्चों डिहाइड्रोजिनेशन ये क्या है। तो आपने इलिमिनेशन में देखा कि एक होता है डिहाइड्रेशन, पानी निकालना, डिहैलोजिनेशन, हैलोजन निकालना, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, पानी और हैलोजन दोनों निकालना, और ये है डिहैलोजिनेशन की जगह डिहाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन बस निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। डिहाइड्रोजिनेशन कराने के लिए हमको अल्कोहल को एक कॉपर ट्यूब होती है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, एकदम लाल गर्म कॉपर की ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर अल्कोहल को डाला जाता है तो अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है और उसका हाइड्रोजन बाहर हो जाता है। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 200 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर की ट्यूब गर्म की जाती है, तो यहाँ पर सब कुछ वही होगा, ये फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पर रेड 573 केल्विन रेड हॉट कॉपर ट्यूब है, यहाँ पर भी कॉपर ट्यूब है और यहाँ पर भी कॉपर ट्यूब, तीनों कंडीशन को आप देख लीजिए। 1 डिग्री में जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये देखिए, एक एसिडिक हाइड्रोजन और एक अल्फा हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजिनेशन हो गया, ऑक्सीडेशन था ना वही वो हटा देना बस, यहाँ पर आपको वही आंसर एल्डिहाइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हो गया, कुछ नया नहीं। कीटोन कराना है तो देखिए, एक एसिडिक हाइड्रोजन और एक अल्फा हाइड्रोजन, सेम कंडीशन, यहाँ पर कीटोन मिलेगा और आंसर 2 डिग्री अल्कोहल आपको कीटोन देगा हाइड्रोजन निकालने के बाद। 3 डिग्री से पूछिए जरा, बोले यार 3 डिग्री बोलेगा मैं एसिडिक हाइड्रोजन तो रखता हूँ ये देखिए, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो भाई कीटोन तो यहाँ तो बनने से रहा, तो बोले अब क्या करें, बोले यार अब इसमें रिएक्शन तो करानी पड़ेगी। तो वो बच्चों सेम जैसे अल्कोहल में हुआ वैसे यहाँ पे होगा, यहाँ पर भी जब इसका डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हो पाएगा तो 3 डिग्री का हमेशा बीटा एलिमिनेशन ही होगा, वैसे भी 3 डिग्री बीटा एलिमिनेशन के लिए मोस्ट रिएक्टिव है, तो यहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा। लाइक ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन भी पॉसिबल नहीं है और वो बीटा एलिमिनेशन करके हमेशा एल्कीन प्रोडक्ट बनाएगा और यहाँ आप देख रहे हो H2O है, हाइड्रोजन नहीं है। तो बस यही ज्ञान है कि एसिडिक हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन एटम दोनों की प्रेजेंस जरूरी है ऑक्सीडेशन के लिए भी और डिहाइड्रोजिनेशन के लिए। क्लियर, ऑक्सीडेशन कराओगे तो आप जो लॉजिक लगाते हो वही लॉजिक डिहाइड्रोजिनेशन में लगाओगे। डिहाइड्रोजिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी नहीं गई है लेकिन इसके क्वेश्चन कन्वर्जन फॉर्म पे आपको कई जगह मिल जाएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा सजग रहिए कि हाँ ये होता है। इसी तरह की एक रिएक्शन आपको हैलाइड चैप्टर में बताया था जब आपको मैं पढ़ा रहा था प्रिपरेशन मैथड्स ऑफ एल्कोहल, सॉरी हैलाइड, वहाँ पर एक प्रोसेस थी ग्रुप प्रोसेस, याद है आपको ग्रुप प्रोसेस, उसमें मैंने ये बताया था कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं जब ये सब, तो वहाँ पे एक ल्यूकास रिएजेंट का यूज़ करते हैं,
ल्यूकस रेजिन कंसेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिक्सर। तो वहां पे आपने देखा था 3 डिग्री जो बहुत रिएक्टिव होता है, तो 3 डिग्री के लिए ल्यूकस रेजिन की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो ग्रुप प्रोसेस करता नहीं है, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री में पड़ती है। ये सब क्या है? अल्कोहल का डिस्टिंक्शन कैसे होता है? हम किसी अल्कोहल को पहचाने कैसे? इसके लिए आपको 2 टेस्ट रिकमेंडेड है, विक्टर मेयर टेस्ट एंड ल्यूकस रेजिन टेस्ट। ये सब कैसे होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में स्टडी करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।